myself Sasnya. Today we will discuss our chapter carbon and its compound. In this chapter we were discussing in the last video halo groups ka nomenclature. Halo group ka nomenclature hum log pad rahe the iske pehle wale class mein. ठीक है, आज हम लोग जिसका पार्ट बी है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में. ठीक है, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. तो बेटा जो एल्कोहल ग्रुप होता है, मेरी बात सुनिए, जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओ एच. क्या होता है फॉर्मूला? ओ एच. और इसके लिए जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, सफिक्स जो लगाते हैं वो ऑल लगाते हैं. कौन सा सफिक्स लगाते हैं? ऑल. तो देखिए कैसे मैंने ये बताया, आपके लिए थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ. ओ एल और इसके लास्ट में दो अल्फाबेट है, वही उसका जाकर के सफिक्स हो जाता है. आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए बेटा देखो सिंपल है. आईयूपीएसी नेम सिंपल है. आपने एल्केन देखा है, एल्केन में आपने इसका सफिक्स जोड़ देना है और ये बन जाता है एल्केन प्लस ऑल, यानी कि एल्केनॉल. अब ये देखो ये ई ये ओ एक साथ नहीं आ सकते, कॉमन है, इसलिए इसका ई कट करके हमने ओ एल ऑल जोड़ दिया. तो जनरल नेम इसका हो गया एल्केनॉल. एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 OH. ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. और यहाँ देखो ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, दो कार्बन, यानी एल्केन के लिए दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एल्केन की जगह हो गया एथेन और एल्कोहल ग्रुप है, दैट इज वाई यहाँ क्या हो गया? ऑल. ये हो जाएगा एथेनॉल. बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा बेटा? एथेनॉल. उसके बाद देखो अब देखो इस जगह पे मैंने एक CH3 लगा दिया. अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग हमको एल्कोहल ग्रुप की तरफ से ही करनी, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप है. देखिए वन, यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं, इसलिए इसके कार्बन को ही नंबर देते हैं हम लोग, और किसी चीज आइटम को तो नंबर देते नहीं. तो यहाँ देखिए ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, और चाहे तो आप यहाँ थ्री पे जुड़ जाए और चाहे तो इस थ्री पे जुड़ जाए. तो हमें एक सीधी पेरेंट चेन लेनी चाहिए. एक सीधी पेरेंट चेन लेने से क्या होगा? नीचे निकालना पड़ेगा. तीन कार्बन की इधर से भी मिलेगी और तीन कार्बन की ऐसे नीचे भी मिलेगी. अगर इधर वाली चेन ले रहे हो आप तो ये आपका क्या बन जाएगा? साइड चेन. साइड चेन समझते हो? जब आपने नंबरिंग कर ली कार्बन की तो जो कार्बन बच गया नंबरिंग मिलने से, अब देखो तीन यहाँ पे होगा, अब कूद के इसको चार नंबर को देंगे नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं होता है. कार्बन एक सीक्वेंस में ही नंबर दिए जाते हैं. अगर जो छूट रहा है उसको छूटने देते हैं, वो साइड चेन की तरह ट्रीट होते हैं. तो ये क्या है आपका? टू नंबर पे एक साइड चेन है, और साइड चेन आपकी कौन से ग्रुप के अंतर्गत आती है? एल्किल ग्रुप के अंतर्गत आती है. कौन सा ग्रुप बेटा? एल्किल ग्रुप. ठीक, अगर इस एल्किल ग्रुप में एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आपने लिखना होता है मैथ, और ये हो जाता है मैथिल ग्रुप. ठीक है ना, ये कौन सा ग्रुप बन जाता है? मैथिल ग्रुप. तो आप देखो वन कार्बन, टू कार्बन है, थ्री कार्बन. थ्री कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं? प्रोपेन. क्या लिखते हैं? प्रोपेन. और इसके साथ क्या लगा हुआ है? एल्कोहल ग्रुप. तो ये हो गया प्रोपेनॉल. लेकिन आपको साइड चेन, साइड चेन क्या होती है? ये आपकी पेरेंट चेन है. पेरेंट चेन यानी पेरेंट जो होते हैं वो अपने और साइड चेन को एज अ इनके बच्चे ट्रीट करते हैं. तो ये पेरेंट चेन है और ये इनका बच्चा है. तो पेरेंट क्या करते हैं? अपने बच्चों को आगे रखते हैं. तो प्रोपेनॉल लिखने से पहले हमें साइड चेन का नाम लिखना पड़ेगा. तो आप देखो सेकंड नंबर पे एक एल्किल ग्रुप है, और इस एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है? एक कार्बन. तो लिखेंगे टू, और एक कार्बन के लिए मैथ और एल्किल के लिए वाई एल. तो ये हो गया इस साइड चेन का नाम, हो गया टू मेथिल. और तीन कार्बन है तो प्रोपेन. समझ रहे हैं? तीन कार्बन के लिए प्रोपेन और एल्कोहल के लिए ऑल. तो बेटा इसका नाम हो जाएगा टू मेथिल प्रोपेनॉल. ठीक है ना, समझ में आ गई बात? आप देखो इसके अगले एग्जाम्पल में, एल्कोहल ग्रुप कहाँ लगा दिया? यहाँ नीचे. नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वन टू थ्री फोर. आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर, लेकिन जब आप नीचे से कर रहे हो वन टू थ्री फोर, तो आप देखो
ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 2। तो ये तो थी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आपको क्या करना है, एक कार्बन का कंपाउंड अल्कोहल से बना के लिखना है 2, 3, 4, क्योंकि ये रिविजन क्लासेस के पहले की जो क्लासेस हुई थी ऑडियो क्लासेस, उसमें मैंने बताया था आपको 1 से लेकर 10 तक के बनाना था, 1 से लेकर 10 तक दिन की भी बता दी थी, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक के आपको बनाना है। तो पहला जो अल्कोहल कंपाउंड होगा मेथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, लैनिनॉल और डेकेनॉल, ठीक है ना। तो ये था आपका 1 से लेकर 10 तक का काम। तो ये आपने करना है रिविजन क्लास में भी, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड बाय।